पूर्व शिक्षक एमएलसी स्वर्गीय पंचानन राय की पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बुधवार को सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय पांडे, प्रदेश सचिव यशवंत सिंह, जिला मंत्री रविन्द्र प्रताप, गोरखलाल श्रीवास्तव, मार्कंडे प्रसाद सिंह सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षकों ने पूर्व शिक्षक एमएलसी स्वर्गीय पंचानन राय के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने स्वर्गीय पंचानन राय के जीवन संघर्षों और उनके द्वारा शिक्षक हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने की बात को दोहराया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष दिग्विजय पांडे ने कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है, लेकिन हम सब के लिए ये उतना ही दुखद दिन भी हो गया कि शिक्षक राजनीति के महानायक स्वर्गीय राय साहब आज ही के दिन हम सबके बीच से चले। इस अवसर पर प्रतिवर्ष कृतज्ञ शिक्षक समाज अपने प्रिय नेता के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित होता है कि खुशी मनाई जाए या मातम व्यक्त किया। बहुत सी यादें हमारे साथ तो बहुत यादें नहीं रही, लेकिन उनके संस्मरणों को मैंने सुना, तो मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठजन जो हैं उनके संस्मरण को बताएंगे। इस अवसर पर मैं श्री राय साहब को श्रद्धासुमन चंदी ने कहा कि हमारे लिए एक तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षक दिवस के रूप में हमें जिन दिन दिया कि इसको आप शिक्षक दिवस के रूप में खुशी के साथ मनाएं, और शिक्षक का आदर्श क्या है, शिक्षक का दायित्व क्या है, आज शिक्षक जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, इन परिस्थितियों के बीच में हम अपने को खुशी क्या मनाएं, इन परिस्थितियों के बीच में आज अगर हमारे राय साहब होते तो शायद हम शिक्षकों को रिटेंशन की लड़ाई, रोल की लड़ाई, किसी मंडल का हो, किसी जनपद का हो, आज लड़ाई होती ही ना। श्रद्धांजलि सभा माध्यमिक शिक्षक संघ को इस ऊंचाई तक ले जाने वाले हमारे संगठन के पुरोधा पंचान राय जी का आज ही के दिन मार्ग दुर्घटना में निधन हो गया था, उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे प्रदेश में शिक्षक एकत्र होकर के इस पूर्ण तिथि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। संगठन का ही देन है या शिक्षक ये सम्मानित जीवन जी रहा है और उसी ऊंचाई तक पहुंचा है, उसमें उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। हम चाहेंगे कि उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है संघर्ष का, उसी रास्ते पर हम मनोरथ संघर्ष करते हुए जो उनके द्वारा अर्जित उपलब्धियाँ हैं उसको अक्षुण रखें और नई उपलब्धियों को प्राप्त करें। जैसा कि पुरानी पेंशन योजना पे बहाली है, मेडिकल सुविधा की बात है, और जो शेष मांगे उन्होंने दिलाई है उसकी हम रक्षा कर सकें, क्योंकि सरकार नई नई आ रही है, उनकी नियत कर्मचारियों पर ठीक नहीं है, वो कर्मचारियों का शोषण और उन्हें दंडित करने का प्रयास कर रही हैं, उसी से रक्षा के लिए पंचायत राय जी ने हमें रास्ता दिखाया था।